गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 3, क्लास 3। प्रश्न नंबर घा, कविता की निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ लिखिए। ये पंक्तियाँ दी गई हैं, ऊंचा हिया हिमालय तेरा, उसमें कितना दर्द भरा, फिर भी आग दबाकर अपनी रखता है वह हमें हरा, इस धानी आंचल में आहा, कितने देश विदेश पले, भाई भाई से लड़े भले ही, टूट सका क्या नाता। कवि ने कहा है कि हिमालय का इतना ऊंचा, इतना विशाल हृदय है कि उसमें कितना दर्द भरा हुआ है, वह अपनी आग दबाकर रखता है और हरा भरा रखता है, चारों तरफ हरा भरा रखता है, इस धानी आंचल में, इस हरे भरे आंचल में न जाने कितने देश विदेश पल रहे हैं, भाई भाई लड़े भले ही, फिर भी आपसी भाईचारे का नाता नहीं टूट सकता। इस कविता का अर्थ आपको नोटबुक में लिखना है, आपको इमेज सेंड की जाएगी, उसे आप देखकर प्रश्नोत्तर और अर्थ को लिखना है। प्रश्न का वर्ण पहेली में से दो दो पर्यायवाची चुनकर, ये वर्ण पहेली दी हुई है, इसमें से उन पर्यायवाचियों को चुनकर आपको अपनी बुक में लिखना है। सूर्य, रवि सूरज, चंद्र का चांद, शशि, माता का अंबा, जननी आग, पावक ज्वाला, पानी का नीर जल। प्रश्न नंबर खा, पढ़िए और लिखिए। हिम प्लस आलय हिमालय, देव प्लस आलय देवालय, कार्य प्लस आलय कार्यालय, न्याय प्लस आलय न्यायालय, भोजन प्लस आलय भोजनालय, पुस्तक प्लस आलय पुस्तकालय। ये आपको अपनी बुक में ही करना है, पढ़िए और समझिए। पाठ में कुछ व्यक्तियों, वस्तुओं और स्थानों के नाम दिए हैं, आइए इन्हें फिर से पढ़ें। भारत, कमल, विदेश, आंगन, घर, धरती, भाई, मोती, हिमालय, आम, माँ, हंस, आग, आंचल, चंद्र, हरा। थैंक्स स्टूडेंट, आपकी जो बुक की एक्सरसाइज है आपको बुक में करनी है, शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर और अर्थ, ये आपको एक फेयर नोटबुक बनाकर उसमें करना है। थैंक यू स्टूडेंट।